ठीक है, मैं लाइव आ गया। ओ पहले से लोग देख रहे हैं। सो नमस्कार जय लंकेश, जितने भी लोग देख रहे हैं। आज का सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही है, मैंने उस पोस्टर से आपको हिंट मिल गया होगा, कैरिकेचर है। और कैरिकेचर मैं आज लाइव बनाऊंगा, ठीक है। ये जो एक शेयरिंग वाला जो नया ऑप्शन आया, तो मुझे लगा कि आधी स्क्रीन मैं संदीप को रखूं, आधी स्क्रीन में उसका रखूंगा, ठीक है। तो फालतू की ज्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा कैरिकेचर पे चलते हैं। कैरिकेचर बेसिकली वही बना सकता है जो पोर्ट्रेट अच्छे से कर लेता है ना। तो कैरिकेचर, अगर आपको पोर्ट्रेट नहीं आता तो आप कैरिकेचर नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि आपको पोर्ट्रेट करना आना चाहिए, आपको देखना आना चाहिए कि किस तरीके से एनालाइज करने का भी एक तरीका है ना, किस चीज के कैरेक्टर कहाँ से आपको पकड़ना। आप अगर अच्छे से नहीं देख सकते, आप अगर अच्छे से कैच नहीं कर सकते किसी मूवमेंट को, है ना, उसके फनी फीचर्स को, कि उसका कौन सा फीचर कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं है। बेटा तू लाइव में क्यों उबासिया ले रहा है तू, ठीक है। तो अभी जैसे संदीप है, अब संदीप को देखा आपने, जब ये चुप था तो इसका कैरेक्टर अलग था, और जब ये हंसा तो इसका कैरेक्टर अलग है। देख रहे हो, हंसने के बाद ये फावड़े की तरह जो इसके दांत हैं। हंस बेटा हंस, तेरे को हंसने के लिए नहीं बोला था मैंने। ठीक है, ये देख यार, समझाएगा कोई इसको, ठीक है। तो बेटा क्लास चल रही है। तो संदीप को अगर हम नॉर्मली बनाए तो उसका कैरिकेचर कुछ अलग होगा, और उसके दांत दिखा के बनाए तो उसका कैरिकेचर अलग होगा। बेटा नॉर्मल एक बार बैठना स्टिल, ठीक है, एक बार कैमरे की तरफ देख, कैमरे की तरफ, है ना, हल्का सा। ये देखो बेचारा लाचार सा, अब हंस तो एक बार, ठीक है। अब देखो हंसने के बाद इसका थोड़ा सा अलग कैरेक्टर है, तो किस तरीके से पकड़ना है। बेटा हल्का सा जूम करो, मैं फेस चाहिए, उधर जा, उसमें जाके जूम करते हैं, जूम हो जाएगा, सिर्फ फेस फेस चाहिए, हल्का सा फेस देख। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी के। और मैंने पहले कह दिया कि पोर्ट्रेट आता है तो ही कैरिकेचर ट्राई करना, थोड़ा 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 हल्का कर, हल्का हल्का बरर थोड़ा, बस बस जय पात जियो राजा, लेकिन थोड़ा तो वो कर। चलिए ठीक है, अब मैं भी अपना थोड़ा सा कर लेता हूँ, पेपर वगैरह सेट कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पेंसिल कोई सी भी ले सकते हो, स्टेडलर की पेंसिल है, एक ही पेंसिल बहुत अच्छी है, ये है ब्रुस्टो की, ब्रुस्टो आर्टिस्ट कलर्ड पेंसिल, अच्छी है। इसकी खास बात यह है कि स्टेडलर वाली जो ये पेंसिल्स हैं, ये पेस्टल पे नहीं चलती हैं, पेस्टल कलर करते हो, ये वाली आपकी पेस्टल पे भी चल जाती है, तो ये बहुत अच्छी पेंसिल है ना, ठीक है, तो आप इसको यूज में ले सकते हो। अब जैसे कि संदीप है, मैंने कुछ कहा था बेटा तुम्हें, हाँ दिखाओ, दिखाया कब दिखाया, ठीक है। अब संदीप या तो स्माइल रखे या फिर ना रख, देख जबरदस्ती हंस रहा है तू यार, ठीक है। चलो मैं बना लूंगा। अब पता क्या हो सकता है कि आपका जो सब्जेक्ट है ना, कभी कभी हंस रहा है कभी नहीं हंस रहा है, तो आपको उस मूवमेंट को सिर्फ देखना है। अब सबसे पहली चीज इसमें, इस कैरिकेचर में आपको क्या देखना है, सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि इसका फेस, फेस किस किस तरीके का है ना, सर्कल है, लंबा है, चौड़ा है, किस तरीके का है। पहला जो पॉइंट आता है वो होता है शेप, ठीक है। तो पहली चीज शेप पे फोकस करेंगे, अब शेप किस तरीके का है वो हमें देखना है, ठीक है। अब मुझे जहां तक लगता है इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके का है, ऐसा ही लग रहा है। मोटा मोटा बनता है, बेसिक, आप एडवांस तक बाद में जाओ, मोटा मोटा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले शेप ले लेंगे, तो मेरे को जो मुझे लगता है वो शेप कुछ इस तरीके से, मुझे लग, ये यूट्यूब ने ये वाला ऑप्शन बहुत सही दे दिया, ये आधा क्रॉप करने वाला और आधा। अब देखो अपन सीधा शेप पे चलते हैं, इसके शेप पे ये हमने मोटा मोटा एक अंदाजा ले लिया, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा डार्क कर दूं, ये मैंने मोटा मोटा एक अंदाजा ले लिया। अब उसके बाद बात आती है फोरहेड की, अब इसका कौन सा वाला पार्ट ज्यादा बड़ा है, आप है ना उसको डिवाइड करो, किस चीज से इसका कैरेक्टर है। बेटा हंस तो, बेटा हैप्पी वैलेंटाइन डे संदीप, लव यू बेटा,
हंस दे, देखो जबरदस्ती हंस रहा है बेटा, लाचार है ना। तो अब इसके दांत अगर हम दिखाएं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके दांतों के साथ में कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने दांतों पे काम किया, ठीक है, दांत छोड़ दी। उसके बाद एक बड़ा सा चश्मा, और भी कैरेक्टर हैं, और भी बच्चे हैं, हमेशा एक फाइनल कैरिकेचर बनाने से पहले। अब देखो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि किस तरीके से लोग अपने शादी के कार्ड्स वगैरह डिजाइन करवा रहे हैं, कैरिकेचर में करवा रहे हैं, है ना, वेडिंग जो कार्ड्स हैं। एडवर्टाइजिंग में बहुत काम आता है, जो बच्चे अप्लाइड कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग में, है ना, तो वो ले सकते हैं कैरिकेचर को, सीखना चाहिए उन्हें, ठीक है। ये हो गया नोज, ज्यादा कोई चौड़ी है नहीं तो ठीक है, नॉर्मल सी रख देते हैं। फोरहेड थोड़ा सा यहां से घुमावदार है, ये कर्व देख रहे हो, कर्व दिख रहा होगा आपको कैरेक्टर में, ये कर्व बहुत हाईलाइट, मतलब हाईलाइट हो रहा है, तो कर्व थोड़ा सा हमने हार्ड कर दिया, इधर थोड़ा सा शेप दे दिया। इसके घुंघरालू बाल, डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे, अभी बिल्कुल ऐसे रखेंगे। अब ये एकदम सन्नाटा है, इसकी आंख भी थोड़ी सी मोटी सी बना देते हैं, है ना। बैटरी, इस बैटरी की आंख भी बनाती हमने, ये सब कुछ मुझे दिखा, ये कैरेक्टर देख रहे हो इस तरीके से। बेटा एक बार दांत और दिखा दे, बस 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 बस, मैं समझ सकता हूँ तेरी मजबूरी। ये देखो मैंने इसके टीथ पे काम कर दिया हल्का सा, हर एक छोटी चीज को पिक करना है आपने, हर एक छोटी चीज, ठीक है। देख रही हो पेंसिल कितनी अच्छी चल रही है, एक कॉन्टे पेरिस की पेंसिल आती है उससे बढ़िया चल रही है, वो कच्ची होती है लेकिन आउटपुट वैसा ही है। अब मैं हल्का सा थोड़ा सा चीजें क्लियर कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, ड्रॉइंग्स को क्लियर कर रहा हूँ ताकि कैरेक्टर और अच्छी तरीके से साफ आ सके। संदीप का कैरिकेचर मैंने पहले भी बनाया है, वो थोड़ा ज्यादा डिटेल था, और बच्चों का भी बनाएंगे भी, है ना, क्योंकि भाई सेलिब्रिटीज का तो क्या रिजेंबल हो जाता है, हम देखते रहते हैं इसलिए। बाकी नॉर्मली इस तरीके से अगर ट्राई करो ना तो बहुत रिजेंबलनेस में से इशू होते हैं, मतलब अगर क्लाइंट वगैरह बोलता है कि मुझे मुझसे नहीं लग रहा है, थोड़े ऐसे इश्यूज आते हैं कैरिकेचर में हमेशा आते हैं ऐसे, और उन इशू के पीछे का कारण यह है कि वो अपने आप को ऋतिक रोशन समझते हैं जो कि वो है नहीं, ठीक है। जब भी कैरिकेचर बनाओ फुल मूड में बनाओ, आपको हो सकता है कि कैरिकेचर, मेरे पास ऐसी ऐसी इंक्वायरी आती है, मतलब कि सर कैरिकेचर बनाना है लेकिन ना कम फनी करना, ठीक है भैया कर देंगे। ये लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ मुझे दिख रहा है, मैंने भी वो बना दिया। इस तरीके से ये हम थोड़ा सा नोज दे देते हैं। अब इसकी नोज की जो नथुने हैं ये कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, दिखा देंगे। अब संदीप तू ना वीडियो में ऐसे लग रहा है जैसे जबरदस्ती बिठा के, मतलब पीट के बिठा है। कान इतने कोई खास बड़े हैं नहीं और इतना कुछ है भी नहीं। अब देखो फेस में बिल्कुल पतला कर रहा हूँ क्योंकि जो अपना संदीप है खत्म सीन है ना, कुछ ज्यादा है नहीं। रिजेमलनेस धीरे धीरे आती है बेटा, हंस दे हल्का सा, हल्के हल्का सा, बस
हंसना बेटा एक बार और। कुछ इस तरीके से देखो, नीचे वाला होंठ मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा, ये हल्के, ये हम जो बना रहे हैं ना बड़ा रफ सा बना रहे हैं, इससे भी एडवांस बनेंगे, और वो एडवांस कब कर सकते हैं बाद में। ये स्क्रीन वाला मुझे अच्छा लगा, तो अब हो सकता है कि भविष्य में फिगर स्टडी वगैरह लाइव इसी तरीके से बताऊं। धीरे धीरे संदीप की जो ये बेटा ऐसी वाली पेंसिल हो रही है ना, कहाँ वो कहाँ गई तेरी वाली, कहाँ गई? एक ही थी उस पैकेट में, एक ही है। तो मैं जो पूछ रहा हूँ मैंने इंग्लिश में पूछा। हाँ तो देना तो ये, अरे तो और चाहिए उसको, शार्प करवा के दे दे बेटा। पूरी बात सुना करो पहले, ये हमारा संदीप बन रहा है। संदीप दुखी है आज, इसके कैरिकेचर में बड़ा दुखी सा लग रहा है। बताइए, इसका वैलेंटाइन डे नहीं मना बेटा? क्या कह रहा, मोहब्बत स्वीकारी नहीं किसी ने आज। सभी दिल जले शुभम तू तैयार है बेटा? बहुत से लोगों को हो सकता है शिकायत हो कि यार सर ये कुछ भी करते रहते हैं बीच में से बातचीत वगैरह, तो भैया हमारा तो ऐसा ही चलता है। मैं तो पागल खाना है, ये मेरे साथ में बालक रहता है तो ये पागल कर रखा है इन्होंने। कर दिया शायद इसको, और हर तरीके से कैरेक्टर अलग ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका मैं बार बार बनाऊंगा तो ऐसा ही कैरेक्टर निकालूंगा, नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि एक आदमी, एक आर्टिस्ट सिर्फ किसी एक कैरिकेचर को बार बार बनाएगा। हर बार अलग आ सकता है, हर बार अलग आ सकता है। जैसे कि अभी देखना, थोड़ा अलग व्यू से भी ट्राई करेंगे तो अलग आएगा। ये हमारा हो गया संदीप, ये संदीप रेडी हो गया, ठीक है कार्टून। अरे यार तभी देखो सब आई ब्रो, ये हमारा संदीप रेडी हो गया। और डिटेल करेंगे और रिजनेबल हो जाएगा, ठीक है बेटा। हल्का सा फेस टेढ़ा साइड में कर, इधर नहीं लेफ्ट, इधर तू कैमरा में नहीं आ रहा, थोड़ा सा इधर और थोड़ा टेढ़ा कर कैमरे की तरफ, मत देख उधर, देख उधर वो दीवार पे देख स्केचेस की तरफ। हाँ
नहीं थोड़ा सा बेटा, थोड़ा नीचे बैठ जा, तू नीचे बैठ जा। हाँ गया उसी, उसको थोड़ा ऊपर कर दे, सेट करके, ठीक है बस। हाँ तो थोड़ा साइड में देख बेटा, इसको ऊपर कर। हाँ ठीक है, बस, हिलना नहीं, छोड़ दे। ओके, अब देखो इस वाले में क्या करना है, इस वाले में इसका जो फोरहेड है, मैं इसको लंबा ले रहा हूँ, नाक भी उतनी नहीं ले रहा ऐसे करके। हर तरफ से एंगल चेंज हो जाएगा। अब यहां पे क्या किया मैंने, फोरहेड बड़ा कर दिया इसका। थोड़ा सा इधर से चेंज किया, देख लो कितना सिंपल, सिंप्लीफिकेशन कितना है। कुछ नहीं, शेप को फॉलो किया, एकला चलो रे। ये हमारा संदीप राय रेडी, उसकी आवाज नहीं है। ये हमारा संदीप राय रेडी हो गया। बस हो गया संदीप राय रेडी। कितना आसान था है ना, उतना कोई भारी नहीं था। उसके पीछे कैनवास बेटा फ्लैट कर दे, वो लोग भी डिस्टर्ब कर रहे। हाँ तू जल्दी, नहीं तू जा, ठीक है इस तरीके से। अब नेक्स्ट कौन बैठेगा, जुबिन। हमारे पास एक बिहार का जुबिन नोटियाल भी है एक बेटा, बिहारी। छोटी बात, अरे बेटा एक बिहारी सब पे भारी, इसको शार्प करके दे अभी, रुक जा। अब नहीं तुम ही ला दो, इधर बैठ जा। नहीं, इधर जी, ठीक है बेटा बैठ रहे, रैपटा पड़ेगा खींच के, जल्दी बैठ। ऐसे 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 मुस्कुराए मत तू, किधर बैठेगा यार। इसको थोड़ा सा ऐसे करना ऊपर, तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा, फालतू का चीजें दिख रहा है ऐसे। इसको ऊपर कर, ट्राइपोड को ऊपर कर दे, ऊपर होता है ट्राइपोड, समझदार हो। इधर से इसको घुमाओ, इसको ऐसे ऐसे वाले को घुमाओ, ऐसे वाले को। हाँ इसको इसको, हाँ इस गोले को घुमाओ, हाँ घुमाओ और घुमाना, ठीक है बस। जल्दी बैठ जा। ये मनुष्य ना एकला चलो रे। अब बता तो फ्रंट में देख, हाँ इधर देख, हाँ ठीक है, नहीं उधर ही देख। अबे हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। क्या बाल खोल दे, पता कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो, अब जैसे इसका ना अभी पहले वाले जुड़े में मना लिया, अभी ये बाल खोल दे बेटा, जल्दी खोल जल्दी, फास्ट फास्ट क्विक। वेरी गुड। अब कैरेक्टर आएगा, अब कैरेक्टर थोड़ा सा भारी रहेगा, देखा छोड़ छोड़ छोड़। हाँ अब बेटा वो पेंसिल उसको दे, संदीप को भी शार्प करने के लिए। तू ये शार्प नहीं करती,
इधर देख, इधर हल्का सा इधर, अरे हाँ ऐसे बस, हाँ ऐसे यही रखना है, यही रखना है। अब इसका देखो, अब इसका जो शेप है वो कुछ मुझे ऐसे लगता है, मिला के ये रहेगा। फोरहेड इसका हम छोटा कर देंगे, इसका ये फोरहेड वाला पार्ट हम छोटा लेंगे, ठीक है। इसका नाक, नाक थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे। स्माइल करना जुबिन नोटी वाला वाली, फर्जी वाली मत करे तू। हाँ चल ऐसे कर, हाँ ये दादी का, ये दादी का है ना, ये जैसे हल्की सी टेढ़ी सी जो स्माइल दी इसने। ओके, एक इसका ये दांत पेना है। हर एक छोटी चीज आपको नोक करनी है, ठीक है। ये वे जो हो गया, हमने ये भी दे दिया। पहली चीज क्या देखनी है आपने हमेशा, फेस का शेप, फिर उसके बाद उसके अंदर के एडजस्टमेंट। सबसे पहले फोरहेड ढूंढना है कितना है, छोटा है कि बड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद उसके, अब मुझे ऐसा लगा इसकी जो नोज है बहुत बड़ी है, तो है ना, नोज थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी चौड़ी है, तो मैंने दोनों को, और आईज थोड़ी सी बिल्कुल पास में है और छोटी है, तो मैं आईज थोड़ी सी छोटी कर दूंगा। गया। बाकी का शेप हम बाद में निकालते रहे। और हाँ एक चीज का ध्यान रखें, वैल्यूज कैरिकेचर में भी काम करती है ना। आप शेड्स का जो पीछा करते हैं, वैल्यूज का जो पीछा करते हैं, कैरेक्टर को रिजेंबल कराने में वैल्यूज वो की वही रहेगी, ठीक है, उनका ध्यान रखें। अभी ये हमने सिर्फ गोला लिया है, आपको गोला दिख रहा है, जब इसका फेस का शेप देंगे तभी हमें बेटा दादी का। सुजीत सर हिलना नहीं है, दादी का ये फर्जी जमीन नोटियाल तू। हाँ अब हंसाना तू, वो वाली जो पहले हंसनी चाहिए थी, अब तो बन गया। शुभम रेडी रहिएगा, इसके बाद लिपस्टिक लगा ले। शुभम लिपस्टिक लगा ले बेटा। तेरे को हिलने के लिए किसने करे, हिम्मत कैसी हुई तेरी हिलने की? तू आदिवासी लग रहा है बेटा, पता तुझे? आदिवासी तो थे। अब जैसे इसकी चिन वाला पार्ट अगर आप देखें तो हल्का सा बड़ा है, हम इसका चिन वाला पार्ट, ये देखो मैंने जो शेप दिया है ये बाद में आपको ये शेप मिलेगा, ठीक है।
बेटा बैटरी तो है ना तेरे उसमें? यार ये अच्छा ऑप्शन कर दिया इसने, फाइनली यूट्यूब ने कुछ तो सही किया। अब रेफरेंस के लिए ऐसे दूसरा मोबाइल ले लिया और उसमें दिखाते चले गए। छोटी सी इसकी मुस्कान, एक वोटर कलर का मैंने वीडियो डाला था बीच में, उसके लेके बहुत इंक्वायरी है कि सर उसके नेक्स्ट वाला पार्ट आप कब डालेंगे, तो मैं बहुत जल्दी डालूंगा। ठीक है, अरे तो टाइम नहीं मिल पाता, बड़ी मुश्किल से ये समय निकाल पा रहा हूँ। दिल्ली के अंदर 2 और 3 तारीख को एक वर्कशॉप है ऑयल कलर की, जो कि प्रेम आवले ले रहे हैं। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब इंक्वायरी आपको इंस्टा में मिल जाएगी, तो आप वहां से देख लेना। मेरे स्टूडियो पे होगी गुड़गांव। बेटा स्माइल करते एक बार, ये देखना किस तरीके से वो कैरेक्टर आ रहा है। अगला जो खिड़की से बनाऊंगा बड़े बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये भी है, ये भी बेसिक था बट बहुत ही बेसिक से, एकदम बच्चों के लेवल से, तो मैं बताऊंगा कि वो जो कैरेक्टर है वो ऐसा ही बड़ा बेसिक सा है। ये हमारा बिहारी लाल सबसे है, गाजा खत्म, बन गया कैरेक्टर। अब इसमें दुनिया भर की शेडिंग देते रहो, निकालते रहो, और डिटेल मांग रहा है दे दो, जितनी डिटेल देते जाओगे चीज निकलती जाएगी। बट बेसिक चीज तो ये है ना कि भाई कैरेक्टर को निकाले कैसे, कैरेक्टर को पकड़े कैसे, तो उसके लिए आपको सबसे पहली चीज देखना आना चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ देखना आना चाहिए। ठीक है बेटा, उठ जा सुबह, कम ऑन, उठ जाओ सर। हाँ सुबह गोलगप्पे सामने को सर, थोड़ा सा है ना ऐसे। अरे यार तू तो मेरे बेटा छोटा भीम है, थोड़ा और पीछे जा, और पीछे जा। बिल्कुल हाँ, ऐसे ये देखो अभी गोलू मोलू सा है, इसका तो सीधा सा यही है क्या।
बड़ा बेसिक सा अगर मैं देखूं, अभी बाबूजी उठे ही हमारे, बेसिक सा इतना, ये आईज आएगी इधर, ये मोटू सा नाक, स्माइल करेगा कैसे रहेगा बता, दांत तो दिखाएगा थोड़ी, नहीं नहीं रे दे अच्छे वो एक तरह मीम था नहीं वो यार था गजब मीम था कि याद आते हैं रेन दो, नहीं बहुत बुरे लग रहे हो रेन दो होता ना, तोबा 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 चलो बेटा है ना, हाँ स्माइल कर स्माइल कर बस, हाँ ये नॉर्मल वाली कर ले ठीक है, देखो कितना गोलू मोलू सा, बस बेसिक बेसिक चीजों को पकड़ते जाओ, इधर छोटू सा कान, ये बाबूजी के हेयर स्टाइल, बाल ज्यादा बड़े हो गए शुभम है ना, कटा ना बेटा, देखो ये हमारा शुभम तैयार हो गया, बेसिक है लेकिन हो गया आपको पता, देखो मेरे हिसाब से मुझे तो शुभम दिखने लगा, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे शुभम दिखने लगा बेसिक सा, पर कुछ नहीं गोलू मोलू सा बनाया, आप इसकी काम करते हैं इसके कैरेक्टर पे, जैसे कि इसकी नोज, इसकी नोज में इसका कैरेक्टर है, शुभम का बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एडवांस तक जाएंगे है ना, समझ रहे हो शुभम, मतलब ज्यादा देर तक बैठना पड़ सकता है, डिपेंड करना है इसको क्यूट बनाना है या चलो ऐसे क्यूट बनाना हो ना तो आंखें मोटी मोटी कर दो, प्यारी प्यारी कर दो, ये आंखें मत मटका तू, देखो आंखें मटका, ये मेरे ही बच्चे हैं, गए तो मुझ पे ही हैं, देखो आंखें देखो इसकी कितनी शांति से, शांति भरी जो कि है नहीं इसकी वजह से, आंखें मैं ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, ज्यादा क्यूट लेके गया तो फिर कमेंट आएंगे शुभम ओ है शुभम, शुभम क्या कारण था कि 14 फरवरी को भी आप लोग सिंगल रहे थे, क्या कारण था बेटा, जनता जानना चाहती है, हाँ जितने भी लोग देख रहे हैं जनता से मैं एक चीज कह दूं कि अब मैं जब भी लाइव आऊंगा हाँ ऐसे, अच्छा लाइव आने वाले थे नहीं तो आज प्रोग्राम क्लब पार्टी में था तुम्हारा, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं कि लाइव चैट ऑन रखूंगा है ना, कोशिश करूंगा, मुझे पता नहीं कैसे, और आप अपनी दिक्कतें मुझे बताना स्केचिंग से रिगार्डिंग, मैं एक घंटे तक लाइव रहूंगा और उसमें फिर अपन वो सारा सब कुछ क्लियर करेंगे, स्माइल करना हल्की सी, दांत मत दिखा सिर्फ स्माइल बेटा, हल्की सी स्माइल कर दे, गुड
ये देख रहे हो किस तरीके से बस फॉलो करना है आपने उसको, है ना। शेडिंग को भी फॉलो करो, उसकी छोटी सी तो डैडी जैसे हमारे शुभम स्माइल नहीं कर रहा है रेगुलरली, लेकिन जब वो स्माइल उसने की थी तो मैंने एक बार देख ली थी, समझ रहे हो। तो थोड़ा बहुत वो बिठा लेना आपको, आपको ना ढूंढना है कैरेक्टर कहाँ अटका हुआ है, कैरेक्टर कहाँ है। मैंने उसको कम मोटा बनाया, नहीं तो बाद में फिर मुझे गालियां दे गई कि सर मोटा बना दिया लाइव में। वो दूसरी वाली पेंसिल कहाँ है? संदीप सो गया क्या? हाँ वो सच में सो गया, बताओ। केरी किचन में रिजेंबलनेस लाने के लिए आपको सबसे बेहतर, अगर सबसे उसके जो ड्रेसअप है, है ना, आपने ड्रेसअप को भी फॉलो करना है। अगर जो ड्रेसअप है वो वैसा का वैसा ही रखें, चेक का शर्ट पहना हुआ है तो चेक का पहना है, क्योंकि ड्रेसअप से बहुत फर्क पड़ता है। कैरेक्टर आ जाता है उस, कहीं होता है जो बहुत हार्ड होता है, है ना, कैरेक्टर ला पाना कहीं कैरेक्टर्स में बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो उन्हें उनके ड्रेसअप से मिला, है ना, उनका जो ड्रेसअप है उससे मिला सकते हो। बहुत दिक्कत आती है कैरिकेचर में जब लाइव करो। मैं जैसे स्टूडेंट था तो मैं होटलों में इनमें जाता था, तो वहाँ इवेंट्स होते थे तो करता था मैं। जैसे बहुत सी दीदियाँ होती थी जो दिखने में खूबसूरत नहीं होती थी, बट उन्हें बनाना पड़ता था, फिर उनके ड्रेसअप में थोड़ा सा काम करना पड़ता था जिससे कि उन दीदियों को लगे कि वही है। भैया लोग तो क्या बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। दिक्कत दीदियों में आती है ना रिजनेबलनेस में, जैसे कान नहीं दिख रहे तो नहीं बनाने, उतने नहीं बनाने। हमारा शुभम रेडी है, बस इसकी ये बीएड वगैरह थोड़ी सी हेवी करते हैं, लौंडा हमारा जवान हो चुका है। हाँ तो शुभम बड़ा सिंगल क्यों है तू आज के दिन भी? पर्चियां फेंकी नहीं तूने? तो पोस्ट कर रखी है तेरे आपके स्टोरीज को। चला हमारा शुभम रेडी। शुभम बन चुका है बेटा तू, ठीक है उठ जा, हम रेडी हो गए, ठीक है। अबे आप किसको बनाए बेटा, तुम में से कोई बैठेगा? एक मिनट रुकना, तू दिखा ना।
कुछ नहीं, तू बैठ जा चुपचाप और कुछ मत कह। उधर उधर देख, उधर उधर देख, हाँ उधर उधर उधर, अरे इधर नहीं उधर ही, हाँ ये देख ऐसे रख, थोड़ी सी गर्दन नीचे कर, और थोड़ी और थोड़ी और थोड़ा राइट में मुड़, राइट राइट, हाँ ठीक है। अब जैसे इस बच्ची का कैरेक्टर है, क्विक जल्दी से लेके आना है ना, तो किस तरीके से आएगा बेटा, जो एक शेप बोल एक तरफ बोल दिया उधर ही देखना है ना, तुझे इधर नहीं देखना, तुझे उधर ही देखना है सामने बेटा। अब जैसे इसका भी इधर से फोरहेड हमने बड़ा ले लिया, जैसे नोज इसकी थोड़ी सी ऐसे उठी हुई है, हमने हल्की सी उठा दी, उठा ली, ये देख इधर ही देख रही है, उधर देख इधर क्यों देखा, कैरेक्टर चला जाता बेटा, लाइव मॉडल में पहली बार बैठी है ना, ये देखो ये हमने इस एकला चोलो को भी बना दिया, एक मिनट को ठीक है, ये पहली बार स्माइल कर रही है, ये अब जैसे इसका कैरेक्टर बनाना है, देखो जैसे डबल चिन थी तो मैंने जो ये किया इधर सिर्फ लाइन से ही उसको दिखा दिया, इसके अब इसके में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बेटा तेरा जल्दी हो जाएगा, बस आपको शीट्स देने, क्या होता है कैरिकेचर बनाते टाइम कुछ के कैरेक्टर्स में आपको दिक्कत भी आ सकती है, आप दिक्कत भी फेस कर सकते हैं कि यार कैरेक्टर कैसे निकालें, किस तरीके से निकालें, बहुत से फेसेस ना बड़े डिफिकल्ट से भी होते हैं, इस बच्ची का हो गया, उठ जा बेटा, ठीक है ये इतना। सो जितने भी लोग देख रहे हैं कैरिकेचर में मेन चीज मैं बता दूं, एक मिनट बेटा तू उससे लेफ्ट हो जाना, कैसा ना उस वाले से लेफ्ट होना ना, मैं निकालूं क्या उसको, निकालना पड़ेगा। चलो आपका बेसिक पहला पॉइंट होगा आउटर शेप, जो फेस का जो शेप है पहली चीज है जो आपको ढूंढनी है, क्या फेस का शेप किस तरीके का है, चौकोर है, लंबा है, गोल है, किस तरीके का, पहली चीज ही ठीक है। सेकंड थिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले उस कैरेक्टर को है ना, उस कैरेक्टर में देखो कि उस कैरेक्टर में है क्या, कौन सी चीज देखने वाली है, कौन सी चीज ढूंढने वाली है ना, मतलब उसका नोज ठीक है, नोज में कैरेक्टर है। अब जैसे इरफान खान की बात करूं,
तो इरफान खान की आंखों में कैरेक्टर है ना। इरफान खान साहब की अगर सिर्फ आंख आंख बना दूं मैं तो लग जाएगा इरफान खान। अगर यही मैं अजय देवगन की आंख बनाऊं तो वो कैरेक्टर आ जाएगा। तो सबका अलग अलग है ना। नोज की अगर मैं बात करूं तो नोज में जैसे ऋतिक रोशन की नोज है, नोज में कैरेक्टर है, देख रहे इस तरीके से, ये ऋतिक रोशन की नोज में कैरेक्टर है, बस इतना सा करना है ऋतिक रोशन तैयार। तो इस तरीके से कैरेक्टर होते हैं, हर कैरेक्टर मतलब हर बंदे का एक अलग होता है, किसी का नोज में होता है, किसी का आईज में होता है, किसी का लिप्स में होता है, किसी का ओवरऑल शेप में होता है, फेस का शेप में होता है ना। किसी का अगर फेस देखो तो सिर्फ फेस फेस में ही एक अलग ही शेप होता है उसके फेस का, वो दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप कैरिकेचर्स को इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले आउटर शेप ढूंढना है, उसके बाद उसके कैरेक्टर को ढूंढना है कि भाई उसके कैरेक्टर में क्या चीज है, उसी को थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। और फोरहेड का भी जो माप है पूरा फोरहेड से ध्यान रखो, फोरहेड बड़ा है तो बहुत बड़ा कर दो, फोरहेड और चिन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो फेस के आउटर शेप में भी आपको हेल्प करती है ना, फोरहेड और चिन। अगर फोरहेड बड़ा दिख रहा तो साले को शुरू में बड़ा बना दो, इतना बड़ा कर दो, बाकी मतलब इतना बड़ा कर दिया इतना, बाकी इतना हिस्सा बना उसमें फेस खत्म करो। अब किसी का हो सकता है कि फोरहेड भी बड़ा है और चिन भी बड़ा है, तो दोनों को मैनेज करो, बीच का मैटर कम कर दो, है ना, इस तरीके से करो। तो ऐसे कर सकते हैं, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट आप लोगों को खुद को करने पड़े, ठीक है। सो फिर मिलते हैं, जय लंकेश, लव यू टू, हैप्पी वैलेंटाइन डे, बाय।